ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. हमने पिछली मर्तबा आपको बताया था कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने बेशुमार हदीसें झूठी घड़ी हुई हैं, उसके झूठ का कोई इंतहा नहीं है। उसने मेरे आका और मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर बेशुमार झूठी और सरासर झूठी हदीसें घड़ ली। हमने आपसे कहा था, आपसे मुराद वो लोग जो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को मानते हैं, उनसे बहुत दफ़ा हमने कहा है, आप हमारे इस नीचे कमेंट्स में हमें हवाला दे दें कि ये अहदीस कहाँ पर है। लेकिन आज तक किसी कादियानी ने हमें किसी हदीस की बुक का हवाला नहीं दिया कि वो हदीसें कहाँ पर मौजूद हैं, और वो दे भी नहीं सकते क्योंकि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने सरासर झूठी हदीसें घड़ी हुई हैं, और झूठी हदीसों का हवाला कैसे मिल सकता है। अब उनमें से दो मैं आपको फिर दिखा देता हूं ताकि आपको याद आ जाए किन की बात कर रहा हूं। पहली रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 6 है, सफ़ा नंबर 337 है, किताब का नाम शहादतुल कुरान है, और मैंने आपको यह हदीस पहले भी दिखाई थी कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कहता है कि खलीफा जिसकी निस्बत बुखारी में लिखा है कि आसमान से इसके लिए आवाज़ आएगी, हाजा खलीफतुल्लाह अल महदी, कि ये अल्लाह का खलीफा महदी है, यानी कि मिर्ज़ा कादियानी के मुतल्लिक ये आवाज़ आएगी। अब और फिर मिर्ज़ा कादियानी लिख रहा है, अब सोचो कि यह हदीस किस पाया और मर्तबा की है जो ऐसी किताब में दर्जा जो असल कुतुब बाद किताब अल्लाह है, यानी कि अल्लाह की किताब कुरान पाक के बाद सबसे ज्यादा सही किताब है। आपने हमें यह हदीस ला कर ही नहीं दिखाई क्योंकि है ही नहीं है। मिर्ज़ा कादियानी झूठ बोल रहा है। झूठा शख्स सिवाय झूठ के और क्या कह सकता है। देखें, इसके बाद हमने आपको यह हदीस दिखाई थी, आपने ये भी हमें लाकर, ये मेरी सबसे फेवरेट हदीसों में इसका शुमार होता है क्योंकि मैं भी पहली मर्तबा जब कादियानियों ने मुझे कहा, मैंने कहा शायद बिल्कुल ठीक कह रहे हों, शायद ये आप हवाला देखें, इसका हवाला तो आप बिल्कुल याद रखें, ये रूहानी खजाइन की जिल्द नंबर 21 है, सफ़ा नंबर 359 है, 359 जमीमा ब्रायन ने अहमदिया हिस्सा पंजम, जिसमें उसने कहा था 550 के बराबर हुए क्योंकि दोनों में सिर्फ एक नुक्ते का फ़र्क है। इस कदर जहालत, इस कदर धोखा दही। और यह हदीस उसने कहा कि ऐसा ही अहादीस सहीहिया में आया है, कहता है एक हदीस नहीं है, हदीसों का मजमूआ है, बेशुमार हदीसें, और हदीस भी आपको मैंने कहा तो सही होती है, हसन होती है, गरीब होती है, मौदू होती है, लेकिन वो कहता है अहादीस सहीहिया में आया है कि वो मसीह मौत सदी के सर पर आएगा और वो 14वीं सदी का मुजद्दद होगा, यानी कि जो मसीह मौत जो प्रॉमिस्ड मसीहा है कुरान के मुताबिक तो मसीह ईसा इब्ने मरियम रसूल अल्लाह है ना, यही कुरान में लिखा हुआ है, नाम लेके माँ का नाम साथ लिख दिया ताकि किसी को गलती ना लगे, इसीलिए आपके पासपोर्ट में पाकिस्तानी और दूसरे मुल्क माँ या बाप का नाम लिख देते हैं ताकि आपकी शनाख्त और पक्की हो जाए।
इधर है कि मिर्जा मानता ही नहीं है, कहते हैं नहीं जी, जहां पर मसीह ईसा इब्ने मरियम रसूल अल्लाह आया वहां पर गुलाम इब्ने चराख भी हो गया है, गुलाम इब्ने गुलाम हो गया है। तो यह मेरी सबसे फेवरेट हदीस है, झूठी हदीस मिर्ज़े कादियानी की। कहते हैं कि मसीह मौत सदी के सर पर आएगा और वह 14वीं सदी का मुजद्दद होगा, और यह बहुत सारी सही हदीसों में लिखा है। मैंने कादियानियों से कहा था कि आपने सिर्फ एक सही हदीस लानी है जिसमें लिखा हो कि मसीह मौत या मसीह अलैहिस्सलाम 14वीं सदी में आएंगे। बिल्कुल झूठ, सख्त झूठ, ऐसी कोई हदीस नहीं है। हदीस तो एक तरफ छोड़ दें, ऐसा किसी बुजुर्ग का सही मुस्तनिद कौल भी नहीं है। आप लोग क्यों एक इंतहाई झूठे शख्स पर, जो झूठ भी ऐसे बांधता है जिनका ना सर है ना पैर है ना उनका कोई सबूत, तो दूर की बात है उनके शायबा भी दुरुस्त होने का नहीं है, आप फिर भी ऐसे शख्स को मानी जा रहे हैं। अगर आप भी कहते हैं तो फिर ले आए ना ये हदीसें, पिछली मेरी वीडियो देखें, मैंने बेशुमार हदीसें उसमें दिखाई हैं जो सरासर झूठी हैं। आज हम ये बात करेंगे कि जो सही अहदीस मौजूद हैं और जो किताबों की, जो अहदीस की सही किताबों में जो चीज़ें मौजूद हैं उनके मुताबिक मिर्ज़ा कादियानी क्या सच्चा साबित होता है, ये भी तो है ना। अब अहदीस तो है ना, और सही अहदीस भी हैं, और बहुत सारी सही अहदीस हैं, तो देखना यह है कि क्या मिर्ज़ा कादियानी को वो सच्चा मानती हैं जो अहदीस सहिया मौजूद हैं जिनके बारे में मिर्ज़ा कादियानी अफ्तरा बांधता रहता है। तो इससे पहले कि हम सही अहदीस आपको दिखाएं, हम मिर्ज़ा कादियानी का ही आपको एक दावा पेश कर देते हैं। आप मेरे ना जानने वाले बहन भाइयों, आप क्यों एक झूठे शख्स को मानते हैं? ये उसकी किताब है रूहानी खजाइन, इसकी जिल्द नंबर 19 है, सफा नंबर 140 है। किताब का नाम है इजाज अहमदी जमीमा नजूल अल मसीह। सब झूठ, उसको लिखना चाहिए कि नजूल झूठ। अब देखें वो, आप आगे से भी पढ़ा करें और पीछे से भी पढ़ा करें, ये बड़ा जरूरी है। बल्कि मैं तो कहता हूं पूरी किताब पढ़ा करो, 3 दफा पढ़ा करो, समझ ना आए तो उस वक्त तक पढ़ा करो जब तक समझ नहीं लग जाती। अब देखें ये वो सैयदना सनाउल्ला अमृतसरी साहब की बात कर रहा है, तो वो इसे हदीसें पेश करते थे कि मिर्ज़े कादियानी को कहते थे कि तुम क्यों झूठी हदीसें गढ़ते हो। जैसे आप मेरी पिछली वीडियो देख लें, और अभी अभी दो आपको दिखाई है, सरासर झूठी घड़ी हुई हदीसें। वो कहता था, वो कहते थे इसको मिर्ज़े को कि तू क्यों हदीसें गढ़ता है, झूठ के पुलंदे बांधता है। तो वो तो चूंकि मिर्ज़ा कादियानी के बकौल उसने तो खुद तस्लीम किया, उसे मिराक है, मिराम है, स्टीरिया है, साइकोसिस है, फिर उसको दौरे पड़ते हैं, काला काला आंखों के सामने जरा जरा आता है, पेशाब 100-100 बार आता है, कपड़ों में निकल जाता है, और रेशमी नाले पहनता है, गरारे पहनता है, पखाना कपड़ों में निकलता है, गर्मियों में गर्म कोट पहन के 55 डिग्री में फिरता है, बदबू के भपके छूटते हैं उस आदमी से, कोई उसके नजदीक आने को राजी नहीं था। बल्कि नमाज के दौरान उसे उन्होंने कह दिया कि तुम किसी और जगह जाके नमाज पढ़ो, तो उसने एक कोठरी में चले गया, साथ वाली उसने बना ली। ठीक है, ये लिखा हुआ आपकी किताब में कि पहले वो पीछे पढ़ता था, उसको उंगली देता था काजी यार मोहम्मद। तो उंगली की तो बात खैर छोड़ो, वो तो उसको मना कर सकता था, उसने मना नहीं किया, लेकिन वो बदबू की वजह से लोग कह, चलो शुक्र है साइट पर हो गया आदमी। लेकिन ये तो आपको कहेंगे वाह क्या खुशबू आती थी मिर्ज़ा कादियानी से। सब झूठे हैं, एक से एक बढ़कर झूठा है। तो ये देखें जी, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की बुक है, वो इसमें लिखता है कि मेरे इस दावा की बुनियाद के उसने मसीह माऊद और नबी और रसूल का दावा किया, इसकी बुनियाद हदीस है ही नहीं है, क्योंकि सारे उलमाए इस्लाम उसको दिखाते थे कि तुम तो झूठी हदीसें गढ़ते हो, फिर हदीसों पर इफ्तरा बांधते हो।
ठीक है, जब सारी दुनिया कह रही हो तो उसका वो जवाब दे रहा है, ढिठाई उसकी देखें मिर्ज़े कादियानी की। कहते मेरे दावे की बुनियाद हदीस पर है ही नहीं, इस दावा की हदीस बुनियाद नहीं बल्कि कुरान और वही है जो मेरे पर नाजल होती है। देखो जी, उसने उसके दावे की बुनियाद आप समझ लें कि हदीस है ही नहीं है, वो बिल्कुल मुनकर हो गया। ठीक है, कहते हैं हदीस तो इसकी बुनियाद ही नहीं है और कुरान है और वही है। अब कुरान की भी हम आपको दिखा देंगे कि कुरान उसके दावे के बारे में क्या कहता है, और वही जो है ना मिर्ज़े की, मिर्ज़े कादियानी की जो वही है मेरे ना जानने वाले बहन भाइयों, वही के लिए एक ही फरिश्ते को अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया हुआ है, उनका नाम, इसने लफ्ज वही यूज किया है, याद रखें वही अल्लाह का कलाम जो आता है नबी पर उसे कहते हैं। मेरे आका और मौला मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ही फरिश्ता वही लाते थे, वो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हर नबी ने यही कहा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही लाते हैं। मिर्ज़ा कादियानी वो वाहिद शख्स है जिसके पास, जिसमें इतनी झूठ पर झूठ बोले, लेकिन न जाने उसने ये झूठ क्यों नहीं बोला कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, एक दफा उसने किताब में लिखा, आया लाया, उसने हाथ से इशारा किया कि नबूवत जारी हो गई। भाई क्या जरूरत थी इशारा करने की, तू जो दावा कीता है, आयल को क्या जरूरत थी आके कहता फिरे कि, और फिर नीचे किसी ने लिख दिया यहां आयल से मुराद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। इस कदर झूठ, और फिर इसकी वही लाने वाले कौन होते थे, आपको हम सबूत दिखा देते हैं, मैं बल्कि एक वीडियो बना रहा हूं, वो इसके फरिश्तों पर होगी, आर आप आका के गुलाम पर देख लें, चौधरी सगीर साहब की देख लें, बहुत मरतबा उन्होंने बताया। कहता है जी मुझे सुबह सुबह वही हुई और एक मुर्गी मुझे इल्हाम कर रही थी, मुर्गी बनेरे ते बैठी मुझे इल्हाम कर रही थी। गौर करें, और मुर्गी का इल्हाम क्या था यह भी आपको बताता चलूं कि वो कह रही थी कि क्या तुम मुसलमान भी हो, यह था मुर्गी का इल्हाम का एक हिस्सा, क्या तुम मुसलमान भी हो, आपको हम दिखा दें। फिर इसको इल्हाम होता था, टिची टिची इल्हाम लाता था। फिर स्कीना नाम का एक फरिश्ता इसने आजाद कर दी, औरत फरिश्ते, आज तक नहीं सुना फरिश्तों में औरत मर्द होते हैं, इसने औरत को फरिश्ता बना दिया। फिर इसने हफीज नाम का फरिश्ता इजाद किया, और पागलपन की इंतहा तो इसकी यह थी, ये आपको पता होना चाहिए सारे कादियानियों, आपका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कहता था मिर्ज़ा कि मैं कृष्ण रुद्र गोपाल भी हूं और मेरा फरिश्ता मिठन लाल है। अल्लाह ताला ने तो कुरान पाक में कहा कि जब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो इसके बाद इस्लाम के अलावा किसी मजहब, कोई और मजहब काबिले कबूल नहीं होगा। ये तो हालत है इसकी कुरान की, झूठ बोल देने से, मुंह पर कह देने से कि कुरान पर मेरी बुनियाद है, बुनियाद नहीं बन जाती है। कुरान पाक में साफ लिखा है कि जब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो इस्लाम के अलावा कोई मजहब कबूल नहीं किया जाएगा। मिर्ज़ा कादियानी कह रहा है जी मैं कृष्ण रुद्र गोपाल आ गया हूं आप, ठीक है, और कह रहा है जी मेरा फरिश्ते का नाम मिठन लाल है, यानी इसकी बुनियाद मुर्गी पर है, सकीना पर है, हफीज पर है, मिठन लाल पर है, देव सिंह पर है, इस्लाम पर नहीं है। अल्लाह ताला के जो फरिश्ते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनका तो दरमियान में जिक्र ही नहीं है। उसकी मैं आपको वजह बता दूं, ये पागल था मिर्ज़ा कादियानी, ज़हनी मरीज था, स्किज़ोफ्रेनिक था, और उसकी वजह यह है कि ये बचपन से इसके ज़हन में बैठा था नबूवत चूंकि खत्म हो चुके हैं, इसलिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो आ ही नहीं सकते, ठीक है, और ये इसके ज़हन से कभी बात निकली नहीं। लेकिन
जिब्राइल अलैहिस्सलाम को मिलने के लिए नबी होना जरूरी नहीं है, लेकिन नबी होने के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम से, जिनका दर्जा अंबिया का दर्जा है, से मुलाकात बहुत जरूरी है। आप नबी हो ही नहीं सकते जब तक अल्लाह ताला का पैगाम ना आपके पास आए, और अल्लाह ताला का पैगाम सिर्फ एक फरिश्ता लाता है, वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। आपकी जमात वाले आपके टीवी पर आपको सरासर झूठ बोलते हैं कि नहीं जी, उनके पास तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी आए थे, उनको कहो दिखाओ उन्होंने क्या कहा था। फिर मिर्जा तो सब खराफात लिख कर गया हुआ है अपनी किताब में, ये भी निकाल कर दिखाओ, सिवाय इसके कि आयल आया और उसने कहा कि नबूवत जारी हो गई, जिसमें आयल तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम का नाम ही नहीं है। वो जगह दिखाओ जहां पर मिर्जा कादियानी ने लिखा है कि मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और मुझे अल्लाह ताला का ये पैगाम दिया। आप कभी भी नहीं ये बात दिखा सकोगे कादियानिया, क्योंकि ऐसा मिर्जा ने कभी लिखा नहीं और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता एक झूठे नबी के साथ। और अगर मिर्जा कादियानी लिखता तो हम उससे एक सवाल पूछते कि बताओ हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नजर कैसे आते हैं, क्योंकि उनके असली शक्ल कुरान पाक में दर्ज है और उनकी इंसानी शक्ल को सहाबा और उम्मातुल मोमिनीन खास तौर पर हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल अन्हा ने बयान किया। तो ये देखें, ये हालत है इसकी कुरान पर और वही पर है। तो हदीस तो चूंकि सैयदना सनाउल्ला अमृतसरी जो थे उन्होंने कहा इसके, और बहुत सारे उलमा ने कहा कि तो इतनी झूठ बांधते हो हदीस पर, तो वो उसने कहा जी मेरे बुनियादी नहीं आ गई, मैं छोड़ दिया हदीस को, और हमने आपको इतनी झूठी हदीसें दिखाई हैं, बराए मेहरबानी या आप कादियानी ये छोड़ें, गौर करें, हम आपको मजबूर तो नहीं कर सकते लेकिन अल्लाह का पैगाम तो दे सकते हैं ना। अगर आप इनका हवाला नहीं ला सकते तो आप गौर करें कि आप तो एक दुनियावी नुकसान में भी हैं कि चंदे पर चंदा देते हैं, और एक झूठे और इफ्तरा बर्दाश्त को झंडा चंदा देते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं, वो पैसा जिससे आपके बच्चों की खुशियां जुड़ी हुई हैं, वो पैसा जो आपकी जिंदगी में बहुत काम आता है, और आजकल तो जो काम इतना ज्यादा नहीं करते उनके पास तो पैसा होता भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये छीन कर लेते हैं आपसे, और ऊपर से आपको अल्लाह ताला की ना अल्लाह रहम करे सब पर सजा के भी हकदार बन जाते हैं। तो आप इस बात पर बहुत गौर करें और देखें मिर्जा कादियानी क्या कहता है। जो कुरान हम वो हदीसें भी पेश करते हैं जो कुरान शरीफ के मुताबिक हैं, हाँ तायदी तौर पर, कौन सी हदीसें पेश करते हैं लेकर आओ जी, वो हदीसें जो तायदी तौर पर जो कुरान पाक के मुताबिक हैं वो लेकर आओ ना, दिखाओ हमें भी, हम भी देख लें, जाली घड़ी हुई हदीसें तो ना दिखाओ ना मिर्जा। वो पेश मिर्जा ने जितनी हदीसें पेश की उनमें से बहुत सारी मैंने आपको दिखाई और आपको कहा कि इनका हवाला ले आओ। मिर्जा जो हदीसें बनाता है अपने कुरान के मुताबिक, उसका कुरान मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान पाक नहीं है, वो तो आपको धोखे के लिए इन्होंने आगे किया है ताकि इनकी अय्याशी चलती रहे दुनिया की, क्योंकि हमने आपको वीडियो दिखाई है, आपके खलीफे कहते हैं ना जन्नत है ना दोजख है, ना उनका तख्लीक आदम पर ईमान है, वो कहते हैं दुनिया ही जन्नत है और ये सब तसव्वुर है, इसलिए वो आपको लूटने में कोई कमी नहीं रखते। अब वो कहता है कि हम वो हदीसें भी पेश करते हैं जो कुरान शरीफ के मुताबिक, वो जो मैंने आपको दिखा दी झूठी मन घड़ी हुई, जिनका मेरे आका और मौला से कोई दूर का भी ताल्लुक नहीं है, और दूसरी हदीसों को हम रद्दी की तरह फेंक देते हैं, यानी जो सच्ची हदीसें हैं वो हम रद्दी की तरह फेंक देते हैं, जो घड़ी हुई और झूठी हदीसें हैं ना उन्हें हम बनाकर अपनी किताबों में लिख देते हैं। क्या एक शख्स जो सरासर झूठी हदीसों को किताबों में लिख के आपको कहता है ये कुरान के मुताबिक सच्ची हैं, और जो सच्ची और सही हदीसें हदीस की सही किताबों में लिखे हैं उन्हें रद्दी की तरह फेंक देते हैं, इससे ज्यादा आपको मिर्जा कादियानी के झूठा होने का क्या सबूत चाहिए? ये तो इंसानी अकल का एक छोटा सा मुजाहरा है, एक छोटी सी बात है, लेकिन खैर हम आपको दिखा देते हैं कि सही अहादीस क्या कहती हैं मिर्ज़े कादियानी के बारे में।
ये लीजिए जी, ये देखिए, ये एक बड़ी मशहूर हदीस है, ये आपने देखा है, ये सही बुखारी की हदीस है। मैं इसको कर रहा हूं कि आप ठीक से पढ़ सकें। और ये सही बुखारी क्या इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2476 नंबर है, बुक नंबर 46 में है। सही बुखारी में कोई 97 के करीब बुक्स हैं, तो बुक नंबर 46 में इसका नंबर 37 है। हदीस ऐसी है कि ला तकुमु साअतु हत्ता यंजिला फीकुम इब्नु मरियम हकमन मुक्सतन फयक्सर सलीबा व यक्तुल खंजीरा व यता अल जसीयता व यफीजुल माल हत्ता ला यक्बलहु अहद। ये जी हदीस जो है, ये सैयदना अबू हरेरा रजी अल्लाह अन्हु से भी मरवी है, और इसमें कहा गया है, नरेटेड बाय सैयदना अबू हरेरा रजी अल्लाह अन्हा, और कहा गया है कि क्यामत उस वक्त तक नहीं आएगी, यानी कि आवर ला तकुम सा, सा उस सात को कहते हैं जो घंटा आने वाला होता है, उसको सा कहा जाता है अरबी जबान में। ला तकुम सा के वो घंटा या वो सा उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक के आपके दरमियान, देखें पैदाइश होना है, वोलेदा होता है, यौमा वोलेदा व यौमा यमूत, तो जैसे सूरह मरियम में लिखा है कि जिस दिन पैदा हुए और जिस दिन वफात होगी। लेकिन मिर्जा कादियानी तो पैदा हुआ ना, और पैदा भी उसने बड़ा ग्राफिक कहा कि मेरा सर मेरी बहन की टांगों के दरमियान था। अरे तुम नबुव्वत का दावा कर रहे हो, फिर इतनी वाहियात गंदी बातें लिखते हो, गैरत तुम में है नहीं है जरा सी भी, और फिर नियोग की आप इसकी बातें, बड़े नमाज को जना से तशबीह दी। खैर वो दूसरी बात है, इसको छोड़ते हैं। तो यहां पर लिखा है कि हत्ता यन से लाफी को, जब तक नाजल ना हो जाए, जनजिला होता है ऊपर से उतरने को कहते हैं। कहीं भी ये नहीं लिखा कि मसीह ईसा इब्ने मरियम दोबारा पैदा होंगे आपके दरमियान, कहीं भी नहीं लिखा, एक हदीस में नहीं लिखा, कुरान पाक में भी नहीं लिखा। और ये लिखा है, नाम लेकर लिखा है, इब्ने मरियम, मरियम का बेटा। मिर्जा कादियानी कहां है मरियम के अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा? वो तो एक वाहियात मुल्हिद किस्म के खानदान में पैदा हुआ, जो कहता है जी मैंने जब इस्लाम मुसलमानों की सल्तनत गिरी तो मैंने काफिरों का साथ दिया, है उनके लिए घोड़े मैंने भेजे। फिर किसी ने पूछा उसके बाप गुलाम मुर्तजा से कि तूने तो कभी जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ी, तो कहता तुम्हें क्या, मैंने नहीं पढ़ी, अल्लाह ताला मुझे भी हो फिर भी माफ कर देगा। यानी एक मुल्हिद खानदान में पैदा हुआ। और मैं आपको बताऊं, मिर्जा कादियानी ने खुद 27 साल की उम्र तक किसी मस्जिद के अंदर कदम भी नहीं रखा। मुझे सबूत ला के दिखाओ, कादियान में मस्जिद है ही नहीं थी। और फिर जब ये 400 साल सियालकोट में रहा, वहां पर मसाजिद थी मुसलमानों की, इसने एक भी मस्जिद में कदम नहीं रखा। हां चर्च में रोजाना जाया करता था एक पादरी से मिलने, आप उसको नबी माने बैठे हो, वो भी इस्लाम में। तो खैर हदीस कहती है हकमन मुक्सतन, वो एक आदल अदल करने वाला बन के आएगा, एक आदल हुक्मरान होकर आएगा, ठीक है, अदल करेंगे और हुक्मरान होंगे। फयक्सर सलीबा, और वह सलीब को तोड़ देंगे, वह यक्तुल खंजीर, और खंजीर को खत्म कर देंगे, वह यसाल जसिया। आपने देखा, मैंने इसको हाईलाइट किया, यसाल जसिया को। मैं आपको मिर्जा कादियानी की तहरीर दिखाऊंगा आज कि उसने यजाल जजिया को यजाल हर्ब, यानी कि जजाल जजिया का मतलब होता है जजिया खत्म करना, वो टैक्स जो गैर मुस्लिम इस्लामी हुकूमत में रहने के लिए देते हैं, मिर्जे कादियानी ने उसको यजाल हर्ब कर दिया कि वो लड़ाई को खत्म करने वाला होगा।
और मैं आपको हल्फन कहता हूं, यजाल हर्ब का लफ्ज किसी हदीस की किताब में नहीं मौजूद है ही नहीं है। यजाल हर्ब लड़ाई को खत्म करने वाला जो है, हर्ब का लफ्ज अलग है, यजा का लफ्ज अलग है, लेकिन यजाल हर्ब एक जगह पर किसी हदीस में मौजूद ही नहीं है कि वो लड़ाई को खत्म करने वाला होगा। ये उसने अपने गैर मुस्लिम आकाओं को खुश करने के लिए कहा, यानी कि उसके ईमान की ये हालत थी कि गैर मुस्लिम आका को खुश करने के लिए वो कुरान और हदीस दोनों को हर तरह से बदल देता था। और आप फिर कहते हो कि वो नबी है, हम तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही कहेंगे आपको। वह यफीज अल मालो, और उसके वक्त में इतना दौलत होगी हत्ता यहां तक के ला यकबाला हो आखर के एक आदमी भी माल को कबूल करने वाला या मांगने वाला मौजूद नहीं होगा। ये निशानियां हैं, हदीस ये सही है, सही उल बुखारी में है, और ना सिर्फ बुखारी शरीफ में है बल्कि मैं आपको और किताबों में भी यही हदीस दिखाऊंगा। अब पहले इसके कि हम इसका कंपेयर करें कि मिर्ज़ा कादियानी से क्या ताल्लुक है, हम ये देख लेते हैं कि सही मुस्लिम की हदीस नंबर 155 ए वही हदीस है, लेकिन इसमें दो चार लफ्ज शुरू में और लिख दिए उसने, वल्लती नफ्सी बेयदेही ला युशकन्ना बाय, इसमें अल्लाह ताला की कसम खाई है मेरे आका मौला मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कि कसम है उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है। मेरे आका मौला ने कसम उठाई है ताकि ऐ मुसलमानों जो अपने आप को कहते, आपको कहते हैं ना हमारा कलमा भी वही, हमारे रोजे भी वही, हमारा कुरान भी वही, हमारी ईद भी वही, हां बस हम तो मुसलमान हैं। ये बड़ी लंबी डिस्कशन है कि आप दूसरों को क्या समझते हैं दूसरे आप, लेकिन ये आपको लॉलीपॉप देते हैं ना ये आपको कि जी हम तो असली मुसलमान है, ठीक है ना। असली मुसलमान जो है वो तो आप अपने आप को मोहम्मद है, आप में से 90% वो हैं जो अपने इनके असली कायद से नावाकफ हैं, मिर्जे की किताबें उन्होंने पढ़ी, हदीसें नहीं पढ़ी हैं, वो बस चूंकि पैदा हुए हैं का इस इलाहाद में तो इस इलाहाद को मानते हैं, उनको दिल से यकीन रखते हैं कि वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही मुसलमान हैं, और मुझे इल्म है इस बात का। तो उनको मैं दिखा रहा हूं कि वही हदीस दूसरे जब मुस्लिम में आती है तो रसूल अबू हुरैरा से ही इसका बयान है, चूंकि ये अहदीस अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से मरवी हैं, इसलिए आपके मिर्ज़े कादियानी ने नाउज़ बिल्ला उन्हें गब्बी कहा, हालांकि उनकी हदीसें सही अहदीस से मरवी हैं और सबसे ज्यादा हदीसें उनसे मरवी हैं। ये तो हालत थी आपके इस झूठे, क्योंकि वो ज़हनी मरीज था, उसको पता नहीं होता था कि अल्लाह ताला उसके साथ क्या कर देगा, जिसको मराक हो, मराम हो, दौरे पड़े, पेशाब निकला हो, है पखाने से भरी हो जिसकी शलवार, जिसको गर्मियों में गर्म कोट पहन के, जिस गर्मी में पानी उबल जाता है वो उसमें गर्म कोट, ऊन वाला कोट पहन के फिरता था, उसकी आप हालत का अंदाजा कर लें और फिर सोच लें कि आप किसको क्या मान रहे हैं। तो ये वही हदीस लिखी है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मुझे कसम है उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है, आई यंजिला फीकुम इब्ने मरियम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकमन मुक्सतन फयक्सर अस्सलीब व यक्तुल खंजीर व यदा अल जजिया व यफीज अल माल हत्ता ला यक्बला हुआ, के आप में नाजिल होंगे, पैदा नहीं होंगे, नाजिल होंगे ऊपर से जहां से भी हो नाजिल होंगे, इब्ने मरियम, मरियम का बेटा, किसी चिराग बीबी का बेटा नहीं, वो शख्स नहीं जिसका, जो बड़े फख्र से कह रहा है कि मेरा सर मेरी बहन की टांगों के दरमियान में था इसलिए मुझ में औरतों वाली खूबियां भी आ गई, कभी सुनिए ये बात किसी नबी को कहते। मैं आपसे कोई बढ़ा चढ़ा कर बयान नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं मेरी तो
शर्म मुझे इजाजत नहीं देती कि मैं आपको उतना ही बयान करूं जैसे मिर्ज़े कादियानी ने वाहियाती से बयान किया हुआ है, मैं उससे कहीं कम करके आपको बयान करता हूं। तो वही लिखा है कि आदल हुक्मरान होंगे, स्लीप को तोड़ देंगे, खंजीर को खत्म कर देंगे, जजिया खत्म कर देंगे। मिर्जा ने लिखा यजा अल हर्ब, पूरी हदीसों में कहीं यजा अल हर्ब का हरफ ही नहीं है। वह यफीज अल माल हत्ता ला यकबल, और वही कि इतनी दौलत होगी। अब देखें यही हदीस जो है ना, ये इब्ने माजा में भी है, वही अल्फाज है जो मैंने दो दफा आपको पढ़ के सिखा, कि ला तुकुम सात, कि वो घंटा और वो सात उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक नाजल ना हो जाए, पैदा नहीं, पैदा होना नहीं लिखा, यंजिलु। और इस में ये जिन लोगों ने पीएचडी की है आपके गलत अकायद पर, और उन्होंने सब ने एक ही नतीजा निकाला है कि कादियानियत या अहमदियत सो कॉल्ड अगर आप कहना चाहें तो बिल्कुल जाली और गलत अकीदा है। तो यहां भी वही लिखा है कि यंजिला का लफ्ज है, वोलेदा का लफ्ज नहीं, कि पैदा होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा पैदा नहीं होंगे, यंजिला वो आएंगे, ठीक है। हर जगह यही लफ्ज है, ये आपको धोखा देते हैं। किसी के ऐसा कहने से देखो जी कौन ऊपर गया कौन नीचे आया, मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जमीन में दफन और ईसा आसमान पर हो, ये कैसे हो सकती है? तो ये एक शैतानी है, शैतानी बात है वो आपको कहते हैं। किसी के जिंदा रहने से मेरे आका मौला मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई फर्क नहीं पड़ता, वरना असहाबे कहफ 309 साल सोते रहे। या अगर कुरान पर का इनकार कर दो, या अगर कोई कुरान आप मानते हो तो आपको मानना पड़ेगा कि वो सोते रहे, तवफ्फा रहा उनका, मुतवफी रहे वो 309 साल तक, और फिर जाग गए और सबसे पहला काम किया अपने में से एक को शहर में भेजा, खा के खाना ले आओ। और खुदा ताला ने कहा तुम्हें अगर गलती लगी है कि वो क्या हुआ है, उनका जो कुत्ता बाहर बैठा था उसकी हड्डियां भी गल गई हुई थी, सूरह अल कहफ में लिखा है। अब असहाबे कहफ को तो किसी नबी पर कोई इफादियत हासिल नहीं है, हालांकि वो 309 साल सोते रहे, उसके बाद उनकी उम्र जमा करो तो शायद पता नहीं कितनी बने उनकी उम्र। किसी का जिंदा रहना, किसी के साथ एक एक्सेप्शनल सलूक होना अल्लाह ताला का, किसी दूसरे पर इफादियत जाहिर नहीं करता। तो ईसा अलैहिस्सलाम से भी उन्होंने ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं कुरान पाक में, एक्सेप्शंस अल्लाह ताला ने रखी हैं। अल्लाह ताला ने, ये तो नहीं कि आप अल्लाह ताला को कहे कि जी हम कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। अब ये वही बयान ही वही हदीस है इब्ने माजा में, इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 4078 इसका नंबर है। अब बात करते हैं कि क्या ये मिर्ज़ा कादियानी पर, अब हदीस है, हदीस सही है, हसन भी नहीं, गरीब भी नहीं, मौदू भी नहीं, सही हदीस। और वो किताब जिसे मैंने आपको अभी अभी हवाला दिखाया मिर्ज़ा कादियानी, कहते हैं असहल कुतब बाद किताब अल्लाह, बुखारी में। तो जी हम बुखारी पर ही चले जाते हैं, वो तो उसकी आपने मिर्ज़े कादियानी का बयान देख लिया कि असहल कुतब है, कुरान के बाद सबसे सही किताब है। फिर तो उसकी, फिर आपके मिर्ज़े महमूद जानी ने, जिसने अपनी बेटी से जना, कई बेटियों से जना किया, उसने लिखा है कि अपने एक जगह उसने, उसका बयान मैं आपको दिखा सकता हूं, उसने कहा कि मुझे अल्लाह ने इल्हाम किया कि सही बुखारी की हर हदीस ठीक है। झूठों के पैर नहीं होते, उन्हें भूल जाता है कि कल क्या कहा था और आज क्या कह रहे हैं, प्रॉब्लम है ना झूठों के साथ। तो देखें पहली सिफ्त यह होगी हकमन मुकसितन, वो इंसाफ करने वाले होंगे, हुक्मरान होंगे। इंसाफ का जहां तक तल्लक है, मिर्जा कादियानी अंग्रेजों की अदालतों के चक्कर पर चक्कर सारी जिंदगी लगाता रहा। और एक बड़ा मशहूर वाकया कि एक ईसाई जज जे एफ डोई की अदालत में उसे हुक्म दिया गया था कि तुम दूसरों के मरने की पेशगोइयां करते हो, खबरदार अगर ऐसी पेशगोई दोबारा की।
मिर्जा ने माफियां मांगी उनसे। ईसा अलैहिस्सलाम तो अदल करने वाले बनकर आएंगे, ये तो अदल इंसाफ मांगता रहा वो भी अपनी झूठी बातियों पर और उनकी वार्निंग्स लेता रहा और फिर भी बुराइयां करने से बाज नहीं आया। इसको आप अदल करने वाला कह सकते हैं? यह तो दूर दूर तक नहीं है, हदीस पर पूरा ही नहीं उतर। फिर हुक्मरान होगा, मैं अभी आपको हवाले इसके दिखाऊंगा। यह तो अंग्रेजों के तलवे चाटता था, कहता था तुम मेरे भाई बाप हो, मैं तुम्हारा खुद का आश्ता पौधा हूं। उनको लिस्टें लिखकर भेजता था कि देखो मेरे साथ ये आदमी हो गए, मेरे खानदान का कुछ ख्याल कर। मैं आपको एक के बाद एक, इसकी आधी किताबें इस बात से भरी हुई हैं। खुशामद, तलवे चाटना, उधर तो लिखा है हकमन मुक्सितन, एक आदल हुक्मरान होंगे। मेरा आका मौला मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई हुक्मरान नहीं थे, लेकिन जब उनकी जिंदगी में अल्लाह ताला ने उनको अजीम शान सल्तनत से नवाज दिया, जो दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत थी, और यहां तक कहा जाता है वो सल्तनत इतनी फैली कि दुनिया के चार बड़े आजम पर एक वक्त में इस्लाम की हुकूमत होती थी। मिर्जा तो कुछ भी नहीं, इस हदीस के मुताबिक तो उसे हुक्मरान होना चाहिए था। फिर यहां लिखा है फयक्सर सलीबा, वो सलीब को खत्म कर देंगे, यानी ईसाइयत पर इस्लाम हावी हो जाएगा। यह तो दूर की बात है, आज भी ईसाइयत दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है। आज भी कादियान में हाथों पर गिने जा सकते हैं जितने आदमी आपके कादियानी वहां रहते हैं। आज भी कादियानियत में आधी से ज्यादा आबादी गैर मुस्लिमों की है, और आज भी दुनिया में बेशुमार ईसाई, सबसे ज्यादा ईसाई कौन मौजूद है। यहां तो लिखा है यक्सर सलीब, वो ईसाइयत को खत्म कर देगा। खत्म करना तो दूर की बात है, मैं आपको अभी हवाला दिखाऊंगा कि उसने अपनी बैत की शरायत में लिखा शर्त नंबर 4 में कि अंग्रेज की वफादारी मेरी बैत का हिस्सा है। फिर उसने एक और जगह लिखा कि अंग्रेज को उलुल अमर मानना बहुत जरूरी है। जिसका उलुल अमर भी ईसाई हो, जिसकी बैत करना भी सलीब की बैत हो, उस पर कहां पूरा उतरता है फयक्सर सलीबा। सोचो गौर करो, वयक तो लल खंजीर, वो खंजीर को खत्म। आप सऊदी अरब में देखें कोई सूअर नहीं होता, कोई खंजीर नहीं है। बहुत सारे इस्लामी मुल्कों में कोई नहीं है, पिग नहीं है, खंजीर नहीं है, कुछ नहीं है। कादियान खंजीरों से भरा पड़ा है, आज भी इंसानी शक्ल में भी और जानवरों की शक्ल में भी। हदीस में लिखा है वयक्तुल खंजीर, वो खंजीरों से को साफ कर देगा। वो तो चंद मील का कादियान का हिस्सा भी खंजीर से नहीं पाक कर सका, बल्कि उसकी कब्र पर खंजीर घूमते फिरते हैं आज भी। आप तो कहते हो वो नबी है, वही है जिस ईसा ने आना था, जिस मसीह ने आना था। झूठी घड़ी हुई हदीस आपको कहता है 14वीं सदी में आना, दुनिया में कहीं इस्लाम की किसी किताब में ऐसा नहीं लिखा। किस हदीस तो दूर की बात है, किसी बुजुर्ग ने भी ऐसा नहीं कहा। कहां पूरा होता है? अब जी यजाल जजिया तो फिर पूरा हो ही नहीं सकता ना मिर्जा कादियानी पर, कि वो जजिया को खत्म कर देगा। वो तो खुद मांगता था, भीख मांगता था अंग्रेजों से, अपने आकाओं से। हुक्मरानी तो दूर की बात है, वो इस हिस्से को पूरा करने के लिए कभी दिमाग का दौरा पड़ता था ना, वो जिसमें काला काला नजर आता है, ठा से नीचे गिर जाता है, पेशाब निकल जाता है, झटके लगते हैं और फिर पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है, नब्ज डूब जाती है। उस हालत में वो कहता था कि मैं कादियान के गिर्द एक किला हुआ करता था, मोटी मोटी दीवार। कादियान के करीब कभी कोई मोटी दीवार नहीं थी, कभी कोई फसील नहीं थी। झूठ, सरासर झूठ।
और जजाल जसिया को उसने जब यही हदीस अपनी किताब में कोट की, उसने इसको यजाल हर्ब कर दिया कि लड़ाई को खत्म करेगा, और फिर अपनी किताबों में लिखा अपने आकाओं को कि मैंने तो लड़ाई खत्म करने के लिए 50 अलमारियां लिख दी हैं किताबों की, उनको शाम, मिस्र, काबुल और रोम तक पहुंचा दिया। मैंने आपको यह हवाला पहले दिखाया था, बड़ा मशहूर हवाला है उसका। पहले तो यजाल जजिया यानी जजिया खत्म करने को उसने यजाल हरब से बदला कि लड़ाई खत्म कर दे, हालांकि पूरी हदीसों की किताबों में, मेरे कादियानी ना जानने वाले भाई बहन, मैं उन खबीसों की बात, बदबख्तों की नहीं बात करता जो जानते बोझते हुए इस दज्जल को फैला रहे हैं अपने दुनियावी फायदे की खातिर, मैं उन ना जानने वालों की बात करता हूं जो उनके दज्जल का शिकार है, उनके जुल्म का शिकार है, कि मुझे वो हदीस लाकर दिखाओ जिसमें लफ्ज हो यदा अल हर्ब के वो लड़ाई को खत्म कर देगा। ऐसी कोई हदीस नहीं है, है ही नहीं है। लेकिन आप कहेंगे तो फिर मिर्जा कादियानी ने नहीं लिखा होगा, मैं आपको उसकी लिखी हुई किताब हवाला अभी अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। अब आगे देख लीजिए, वह यफीजुल मालु हत्ता ला यक्बलहु अहद, कि उसके दौर में दौलत की इतनी फरावानी होगी, उसकी जिंदगी की बात हो रही है, ये सारी बातें ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ही होंगी, और वो कितना जिंदा रहेंगे, आने के बाद 40 या 45 साल जिंदा रहेंगे। सही मुस्लिम में हदीस है कि 40 साल रहेंगे, इब्ने माजा में है कि 45 साल रहेंगे, ठीक है, सही मुस्लिम की हम मानते हैं कि 40 साल जिंदा रहेंगे। और आप देखो कि माल की इतनी फरावानी दौलत की होगी कि आपको माल को, आप किसी को सदका ज़कात या पैसा देना चाहें तो कोई आपको आदमी नहीं मिलेगा जो कबूल करे। यहां तो साहबी उल्टा है, मिर्जा फ्रॉड करके पैसे लिए कि 50 किताबें लिखूंगा, अगर फिर 5 लिखी और कहा 50 और 5 में नुक्ते का फर्क है, इसलिए 5 से 50 का वादा पूरा हो गया। आपको अभी मैं हवाला आप भी दिखा दूंगा, अगर आप लोग तो इस हवाले को मानते ही नहीं, कहते कट के दिखा। सफा नंबर 9 पे लिखा है ब्राही ने अहमदी हिस्सा पंजम के पेशे लफ्ज में, ठीक है ना, आपकी रूहानी खजान की जिल्द 21 है, ये अभी दिखाता हूं आपको। ये देखें, आप मिर्जा तो फ्रॉड करके पैसा लेता रहा दूसरों से, धोखा देकर, धोखादही से, जालसाजी से, और आज तक आपसे पैसा खींचने के कितने अरबे हैं, चंदा लाजमी दो, चंदा जलसा सलाना दो, चंदा तहरीके जदीद दो, चंदा तहरीके नो दो, चंदा फलाना दो, चंदा वसीयत दो, चंदा ऐ दो, चंदा। हदीस के तो बिल्कुल उल्टा है ये। जिस ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने आना है, उनके दौर में दौलत की ऐसी फरावानी होगी कि दौलत लेने वाला नहीं मिलेगा, पैसा ले, ये तो आपसे खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, ताकि अपने ऐश करें, घोड़े पालें, मर्सिडीजें चलाएं, क्रूज पर जाएं, और उनके अपनी दुनिया को तो जन्नत बना लें, आपकी दुनिया को दोजख बना दें। आप लोग ऐसा ख्याल करो कि आप किस दजल में पड़े हो। इस हदीस का ये जो बार बार कोट की गई है, सही बुखारी में है, सही मुस्लिम में है, इब्ने माजा में है, और मैंने आपको कहा है कि हदीस की और भी बहुत सारी किताबों में है, इसका एक लफ्ज भी मिर्जा कादियानी पर पूरा नहीं उतरता। इसीलिए मैंने वो आपको उसका हवाला, कहते मेरे दावे की बुनियाद हदीसों पर है ही नहीं है। आप क्या कहेंगे ऐसे शख्स को? कुरान देखो तो कुरान कहता है मिर्जा कादियानी झूठा, दज्जाल, लानती, जहन्नमी। मैं बहुत नरमी के साथ ये बातें कह रहा हूं, वो उससे कहीं ज्यादा है। और वही देखो तो मुर्गी की वही पर आपको धोखा दे रहा है कि मुर्गी ने मुझे ये वही की है, फिर हफीज ने की है, फिर मिठन लाल ने की है, फिर अपने आप को रुद्र गोपाल कृष्ण है वो कुरान, फिर कुरान पर, कुरान तो कहता है जब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए,
इस्लाम के सिवा किसी से कोई मजहब कबूल ही नहीं किया जाए। मिर्जा कह रहे मैं तो रुद्र गोपाल कृष्ण हाँ जी, इस्लाम नाल कोई तलक ही नहीं, मैं मेरा फरिश्ता तो मिठन लाल है। किस दजल में आप फंसे हुए हो? मतलब इस्लाम तो सीधा साधा मजहब है, सही बुखारी पढ़ लो, सही मुस्लिम पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, बस सारा मजहब पढ़ लिया, कुरान पाक ही पढ़ लो तो काफी हो जाता। अब आपको समझ आया कि वो क्यों कहता है कि मेरा तो दावे की बुनियाद हदीसें है ही नहीं, लेकिन फिर घर घर के झूठी हदीसें मिर्जा जी क्यों लिखी हुई है? मिर्जे से पूछो कि जब उसकी बुनियाद, देखो झूठे के पैर नहीं होते, उसको पता नहीं होता कल मैंने क्या कहा था, आज क्या कहना है, और बस उसको झूठे को कभी याद रहता है? आप किसी को झूठ बोल दें तो वो तो चीज हुई नहीं, तो वो तो आगे जाके अपना बयान बदल लेगा ना। यही बात उसके साथ है। एक तरफ तो वो घड़ घड़ के हदीसें आपको दिखा रहा है और फिर कहता है कि अहादीसे सहीहा में लिखा है, उसी के हर्फ बता रहा हूं कि 14वीं सदी में ईसा अलैहिस्सलाम कहीं वो हदीस आई, और जो हदीसे सहीहा मौजूद है उस पर मिर्जा पूरा ही नहीं उतरता। मेरे बहन भाइयों मैं आपको क्या कहूं, बात तो उधर ही खत्म होती है ना कि आपको इलम नहीं है, आप इनके दजल में इसलिए फंसे हुए हैं कि आपने कभी पढ़ा ही नहीं कि आप क्या। ये देखें और भी बहुत सारी सही हदीस हैं, इब्ने दाऊद की ये हदीस है, उसमें ये भी कादियानी बड़ा जोर जोर से कहते हैं, ये नहीं बताते कि किस हदीस में लिखा है, मैंने निकाल दी, मैंने कहा मैं आपकी तसल्ली करा दूं। ये हदीस है मरवी अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से, जिन्हें आपका मिर्जा कहता है नाउस बिल्ला के वो गब्बी थे, यानी इंग्लिश में इडियट, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितना देखो, अगर आपका मिर्जा कादियानी पागल था, मिरामी था, मिराकी था, साइकोटिक था, पैरानाइड साइकोसिस था, स्किज़ोफ्रेनिया था, उसका सबूत वो छोड़ गया हुआ है अपने पीछे लिख कर, लेकिन इसके बावजूद अगर उसमें रत्ती भर इस्लाम भी होता, रत्ती भर हम कह रहे हैं कि 0.001%, ठीक है 1% भी नहीं, 0.0001%, 1 करोड़वां हिस्सा इस्लाम का उसमें मौजूद होता, तो मेरे आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंबिया के सहाबा पर बकवास मत करता। उसको छोड़ो, उसने तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को कह दिया, पता क्या कहता है, मैं कस्तूरी और मेरे सामने इमाम हुसैन गू का ढेर, इन्ना लिल्लाहि, मतलब कहा नहीं जाता, मुंह से निकलती नहीं, दिल करता है कि एक थप्पड़ मुंह पर मारूं। इस एक शख्स आया इसके पास, ये इसी तरह की बकवास उसने की, उसके पास का दिया, उसने जूता उतारा पांव से और ठा इसके मुंह पर मारा उसने। मुझे ये वाकया, इस वाकया के एनी गवाहों की नस्लों ने बताया, और ऐसे कई वाकयात हुए थे इसके उधर। इसका अपना रिश्तेदार कादियान के बाहर बैठ के कहता था, एक पागल है अंदर, वो अपने आप को नबी कहता है, उसके जाल में मत आ जाना। ये जो कुछ लिख गया हुआ है ना, एक नबी कभी नहीं ऐसी बातें लिख सकता। और आपको कहते हैं ना आप सही इस्लाम, इनका दजल इसी से जाहिर, अगर ये कह देते ना हमारा मजहब नया है तो ये उनकी बहुत बचत हो जाती, शायद इनके पीछा करने वाले, इनके पीछे रहने वाले बहुत लोग हो जाते। लेकिन अपने आप को सही इस्लाम, अहमदियत इस्लाम, जिंदाबाद ट्रू इस्लाम, जिंदाबाद कह के इन्होंने अपना बेड़ा गर्क कर लिया, क्योंकि अब हम कहते हैं कि अगर तुम मुसलमान हो तो फिर ये क्या है तुम्हारा दजल, झूठी हदीसें तुम लिखते हो, कुरान पर दजल तुम बांधते हो, सहाबा रिजवानुल्लाह अलैह को गालियां तुम देते हो, मेरे आका मौला के चहेती औलाद अहले बैत को इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को गालियां तुम देते हो। ये तो जिसके दिल में 1 करोड़वां हिस्सा भी इस्लाम का हो वो ऐसा करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसलिए नबी होना तो बहुत दूर की बात है, मिर्जा कादियानी तो एक डिसेंट ह्यूमन बीइंग जिसे कहते हैं, एक हाफ डिसेंट इंसान भी नहीं है, बल्कि ये गिरे हुए इंसानों से भी बहुत गिरी हुई चीज है। अब देख लें
ये कादियानी कहते हैं कि लैसा बैनी व बैनहू नबीयुन, मेरे और उसके दरमियान, बैनहू उसके दरमियान कोई नबी नहीं है। और मिर्जा अपने आप पर चिपका लेता, देखे ना ओ देखे हदीस है ना, लैसा बैनी व बैनहू नबी है, और बाद में खत्म चुप। और मैं आपको बताऊं, ये सुनन अबू दाऊद की है, इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक हदीस का नंबर है 4324। और इसके आगे लिखा है, यानी ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम आपके दरमियान और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कोई नबी नहीं है। यानी कहा कि मेरे दरमियान, यानी गुलाम इब्ने चिराग बीबी, यानी गुलाम कादियानी, कहां लिखा है ये? जिल्ली ब्रूजी, क्या होता है जिल, क्या होता है ब्रूज? सब जहालत। आपको जिल्ली ब्रूजी नबी देते हैं, और मैंने आपको वीडियो दिखाई कि खुद कहते हैं, इस बात पर यकीन करते हैं, जन्नत भी जिल्ली ब्रूजी और जहन्नम भी जिल्ली ब्रूजी, क्योंकि उनको पता है कि अगर जहन्नम असली हुई, जन्नत असली हुई, तो जन्नत तो मिलेगी नहीं, जहन्नम के भी आखिरी घड़े में फेंका जाएगा, और फरिश्ते ना सिर्फ आग में जलाएंगे बल्कि वो जो झाड़ियों वाले कीलों वाले डंडे लेके इतना मार मार के इनका हशर करेंगे, फिर बनाएंगे, फिर करेंगे, फिर डालेंगे, फिर मैं कहता हूं जो बदतरीन सजा तसव्वुर हो सकती है वो ये आपके सारे गद्दीन, मिर्ज़े मसरूरे को, तायरे को, वो जानी महमूदे को और मिर्ज़े कादियानी को, इससे कहीं बदतर सजा मिलने वाली है, बल्कि मिल रही होगी। अगर आपकी इनकी कब्रों में सुन सकते तो आपके दिल दहल जाते इनके साथ कब्र में क्या हो रहा है। अब आगे फिर लिखा हुआ है, ही विल डिसेंड यंसिलू व इन्नहू नाजिलुन, और वो नाजिल होंगे, ये नहीं लिखा वोलेदा पैदा होंगे। कादियानियों जागो, ये क्या जिली ब्रूजी है आपका? आप तो जिल ब्रूज में जहन्नम की सफर पर रवान दुआन है। आपका ना जानना एक्सक्यूज के तौर पर नहीं माना जाएगा क्यामत वाले दिन। फायजा राय तो मुहु फारे फोहु रजुल मरबून इला इलल हुमराती वल बियादी बैना मुमस्सरा ताइनी का अन्ना रासहु यख्तुरू। कहता है कि लिखा है कि वो आपके दरमियान उतरेंगे, नाजल होंगे, और जब आप उन्हें देखेंगे आप उन्हें पहचान लेंगे, खुदा की कसम ये ठीक है। मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि मुझे सबूत चाहिए ऐ अल्लाह तेरी मौजूदगी का, कम पर मैं राजी नहीं हूं, मैं हूं ही ऐसी। मुझे जब सबूत दिया गया तो मैंने उसको जो मेरे पास आया मैंने उसे फौरन पहचान लिया वो कौन था, हालांकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था, देखा भी नहीं था। इसी तरह जब ईसा अलैहिस्सलाम आप में नाजुल होंगे, लोग कहते हैं जी वो तो वो असली ईसा भी नहीं मनेंगे, वो अल्लाह ताला आप आके, आप खुद आके कहना पड़ेगा लो 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 जी ये ईसा ही है, मैं गुआई। ऐसा कुछ नहीं है, खुदा की कसम जब ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे आपका दिमाग, आपका दिल, आपकी आंखें सब गवाही देंगी कि यही है ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। आपके जिस्म का रुआ रुआ बोलेगा कि हादा ईसा इब्ने मरियम। आपको किसी की गवाही की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या समझते हैं जो आपको तखलीक कर सकता है वो इतना था पैगाम नहीं आपको दे सकता? आपका दिल बोलेगा, आपका दिमाग बोलेगा कि खुदा की कसम यही है ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। यही मेरे आका मौला मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ। वो वाले जो अल्लाह ताला से दुआ मांग कर आते थे और कहते थे कि हमें हक जान, बल्कि कहा जाता है कि जब मेरे आका मौला पैदा हुए और बच्चे थे तो कुछ अल्लाह वाले लोग वहां से गुजरे और वो खास तौर पर मेरे आका मौला को देखने आए।
और उन्होंने गवाही दी कि यह बड़ा ही खास बच्चा है। यही ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे किसी को बताना नहीं पड़ेगा ये कौन है। ये तो काले दिल वाले हैं जो नहीं मानेंगे, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में हर अहले किताब मान जाएगा। ये अल्लाह का वादा है। वह इन मिन अहलिल किताबे इल्ला लयूमिनन्ना बिही कबला मौते ही, उनकी मौत से पहले। ईसा अलैहिस्सलाम की मौत का जिक्र है कुरान पाक में। कादियानी दजर करते हैं कि आपको कहते हैं नहीं। कुरान पाक की आयत नंबर 159 सूरह अन्निसा, बिस्मिल्लाह के साथ 160 सूरह अन्निसा। ये आयत मेरे आका मौला मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल कदर सहाबी अबू हुरैरा रदी अल्लाहु अन्हो सबूत के तौर पर पेश किया करते थे। इसीलिए मिर्ज़ा कादियानी ने नाउज बिल्ला उन्हें गब्बी कहा। इन्ना लिल्लाह। यह देखें यहां भी लिखा है कि तुम उन्हें पहचान लोगे कि वो आदमी होगा दरमियानी हाइट का, रेडिश फेयर कलर का होगा, वेयरिंग टू लाइट येलो गारमेंट, दो चादरें उन्होंने ली होंगी हल्के येलो कलर की। मिर्ज़ा कादियानी कहता है मेरी दो चादरें मेरी दो बीमारियां हैं, क्योंकि हिंदुओं में पीला रंग बीमारी की निशानी है, गेरवे रंग बुजुर्गी की निशानी है। वो जो उनके काहन पहनते हैं वो गेरवे रंग होता है, जो पीला रंग है उसे बीमारी, क्योंकि पीला रंग यरकान का रंग है, जॉन्डिस का रंग है। तो मिर्ज़े ने कहा हिंदुओं से इस्तारा लेकर कि वो दो बीमारियां हैं। किसने कहा है कि दो बीमार, तो अरबी में लफ्ज नहीं था कि दो बीमारियों के साथ ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। पहचान लेना जी, जरा दिमाग तो मराती हो, मरामी हो, स्किज़ोफ्रेनिक हो, दजल हो, खराफात बकता हो, गालियां देता हो, और एक बैठ के गंद बदबू के भुफके उठ रहे हैं और लिख रहा है लानत नंबर एक, लानत नंबर दो, लानत नंबर तीन, लानत नंबर चार, लानत नंबर पांच, लानत, और हजार तक लिखे जा रहे घंटों। क्या अरबी में इनके लिए लफ्ज नहीं था कि दो बीमारियां होंगी? अल्लाह ताला ने कहा दो चादरें पहनी होंगी, हल्के पीले रंग की होंगी, और सर ऐसा लग रहा होगा जैसे अभी धोया और उसमें से पानी गिर रहा हो। वो लोगों से इस्लाम के लिए लड़ेंगे। मिर्जा ईसाइयों को कह रहा है कि मैं तुम्हारा खुद काश्ता पौधा हूं, मैंने, तुम मेरे उलुल अमर हो, मेरी बैत की शर्त है कि तुम्हारी ताबेदारी करे पहले। हदीस में तो लिखा है फाइट द पीपल फॉर द काज ऑफ इस्लाम, वो तो इस्लाम के लिए लड़ेगा। मिर्जा कादियानी ने सारी जिंदगी में जो कुछ किया है सिर्फ पैसा कमाने के लिए, धोखा देने के लिए और अपने ऐश की खातिर किया है। यह बिल्कुल गलत है कि वह बहुत मुनाजरे करता था। उसने दो मुनाजरे आमने सामने किए, एक ईदगाह में मौलाना गजनवी के साथ जिसमें अल्लाह ताला ने लानत की तरह उसको मार दिया, और दूसरा ईसाइयों के साथ जिसके बाद उसकी अपने खानदान के लोग ईसाई हो गए। बाकी उसके सब लिखे हुए हैं, ये इन्हीं किताबों में मौजूद हैं, आप पढ़ के खुद फैसला कर लो। आप लोगों को मैं क्या बताऊं, सब झूठ, सब इफ्तरा, सब दजल। और फिर इस हदीस में भी वही लिखा है कि वो ईसाइयत को खत्म कर देगा, पिग को मार देगा, और पिग तो आज भी मिर्ज़े की कब्र पर घूमते फिरते हैं। सूर मिर्ज़े की कब्र पर घूमते, कादियान आज भी सूरों से भरा हुआ है। आदमी नमाज सूर भी उधर बहुत है और जानवर नमाज सूर भी बहुत है। और फिर इधर लिखा है बालिश यदा अल जसीयत,
तो जजिया खत्म करेगा। मिर्जा ने जजिया जजिया का लफ्ज ही उड़ा दिया हुआ है। और अल्लाह ताला ने मुकद्दर कर दिया ईसा अलैहि सलाम के लिए कि उनकी जिंदगी में इस्लाम के अलावा हर मजहब खत्म हो जाएगा। मिर्जा की जिंदगी में तो इस्लाम में भी दरारें पड़ गई। आज आप सब चीखते फिरते हो, और भाई तू कौन से मजहब से हो? सुन्नी हो, वाबी हो, चुड़ियाल भी हो, चकड़ाल भी हो, पटड़ाल भी हो, और कुरान कहता है कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम, वातसिम बिहब्लिल्लाह जमीअ वला तफर्रक। ये जानने वाले लोग हैं जो इंटरनेट पर घूमते फिरते हैं, ये लोग ऐसा है कि ये आपको जानने बूझने के बावजूद धोखा देते हैं। ये जब मरेंगे इनके जिस्मों से बदबू आएगी, वैसी ही बदबू जैसे मिर्जा ताहिर क्या है, मिर्जा ताहिर पर इन्होंने इतना इतर छिड़का, इतनी उसकी सफाई की, लेकिन वो तीसरे दिन जब इसका इंतखाब हो रहा था, जल इंतखाब इस मसरूरे का, उसी दौरान में उसके जिस्म से इतना शदीद बदबू का भपका आया कि इन्हें वो ताबूत बंद करना पड़ा। शायद कुछ गंद निकला हो उसके जिस्म से। बुजुर्ग हस्तियों के साथ तो ऐसा नहीं होता। मेरे पास सबूत नहीं है, नहीं तो मैं आपको उसका मौत का वाक्य सुनाता, मुझे लोगों ने सुनाया, वो जो उसके मुआलिज थे। ये तो एक खबीसों का एक ग्रुह है, बदबख्तों का एक ग्रुह है जिसके जिसने आपको बहकाया हुआ है। ही विल डिस्ट्रॉय द एंटी क्रॉस्ट। और यहां पर देखे लिखा है वह योहलेकुल मसीह दज्जाल, वह मसीह दज्जाल को खत्म कर देगा। मिर्जा कहता है मसीह दज्जाल कभी अंग्रेजों को कह देता था, कभी यहूदियों को कह देता था, कभी फलाना हो जाता था। ईसा अलैहिस्सलाम को पहले उसने दमिश्क में दफन किया, फिर बिलादुल को शाम में या किसी और जगह, चार जगह उसने दफन किया। फिर उसके एक मानने वाले अब्दुल्ला नामी शख्स ने उसको लिखा कि यहां पर एक कब्र है जिसमें बुजुर्ग दफन, उसने चटपट कहता लो जी ईसा अलैहिस्सलाम कश्मीर में आ गए। वो जिसने उसको इत्तला दी थी उसने कहा मिर्जे तुझ पर लानत हो अल्लाह की, मेरा यह मतलब नहीं था कि तू ईसा बना दे, छोड़ के चले गया इसको। आपको क्या क्या बताएं हम, ये देखें हदीसे सही है। ये लिखा है वह योहले कुल मसीह दज्जाल, वो खत्म कर देगा मसीह दज्जाल। फयम को सूफी लड़ दे अरबईना सनत, सना साल को कहते हैं, अरबईन चालीस को कहते हैं, कि वो चालीस साल जमीन में जिंदा रहेंगे और फिर उनकी जिंदगी पूरी हो जाएगी। सुमा यतवफी फयुसल्ली अलैहि, और जब उनकी जिंदगी के दिन पूरे हो जाएंगे फयुसल्ली अलैहि मुस्लिमों, तो वफा का मतलब मौत नहीं है, जब पूरे हो जाएंगे उनकी जिंदगी के दिन, 40 साल रहना ना, 40 साल पूरे हो जाएंगे तो फिर वो फौती होंगे ना उसके बाद, तो तफरवा ये मत कहना ना नहीं जाए दुख जी तो वफा आ गया मौत का लफ्ज। ये आप में बड़ी खराबी है कि आप ना अल्लाह से दुआ करते हैं, ना अकल करते हैं, और बस एक अंधों की तरह एक चीज के पीछे चल पड़ते हैं। अरबईना सनतन सुम्मा यतवफ्फा, और फिर आपके दिन पूरे हो जाएंगे। फयुसल्ली अलैहिल मुस्लिमून, और आप पर नमाज पढ़ेंगे मुसलमान, मतलब आपका नमाज जनाजा पढ़ेंगे मुसलमान। मिर्जे ने तो अपने सके पुत्र का नमाज नहीं जनाजा नहीं पढ़े, ऐसा लानती शख्स था मिर्जा कादियानी। आप हमें एक बात का जवाब दें, आप कहते हैं ना हम मुस्लिम हैं, हम कलमा गो हैं, तो हमें तो आप काफिर कहते हो ना, फिर आपसे पूछो हम तो काफिर हुए ना आपकी नजरों में, क्योंकि हमने आपके दज्जाली कज़्ज़ाब को नहीं मानना है, तो आप कहते हैं नहीं नहीं हम तो तुम्हें भी मुसलमान समझते। तो फिर मिर्जे कादियानी ने मिर्जा फजल का, जिसने उसके कहने पर अपनी बीवी तक को बड़े दुख के साथ तलाक दी, अलग, और तलाक भी ऐसे दी कि मिर्जे ने कहा कि तू तलाक ना दी मैं तुझे ये कर दूंगा वो, उसने तलाकनामा लिख के बीवी को नहीं दिया, उसने मिर्जे मरदूद को दिया कि अल्लाह फड़। और वो जब मोहम्मदी बेगम की शादी हुई उसने वो आगे करके उसकी बीवी को, और मिर्जे फजल ने तलाक दी वाया मिर्जा दज्जाल,
और वो बेचारा मर गया इसी गम में 50 साल की उम्र में, या इससे भी कम थी उसकी उम्र। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है उस आदमी पर। इसने अपने पागलपन में मिर्जे कादियानी ने कह दिया, नहीं जी मैं, इसने मुझे नहीं माना, मैंने इसका जनाजा ही नहीं पढ़ना। अच्छा किया तुमने जनाजा उसका नहीं पढ़ा, वो तो एक अल्लाह का नेक बंदा मुझे लगता है था। पता नहीं तुम्हारे गलीज घर में कैसे वो पैदा हो गया, क्योंकि अगर तुम मिर्जा कादियानी उसका नमाज जनाजा पढ़ लेते ना, खुदा की कसम वो जन्नत में ना जाता। अल्लाह ताला ने ये होने ही नहीं दिया। अल्लाह ताला को किसकी क्या क्या बात है। और उसने तुम पर ईमान नहीं लाया, उसकी मां ने भी नहीं लाया, उसके बड़े भाई ने भी नहीं लाया। ये सारा दज्जल है कि मिर्जा सुल्तान ने कर लिया। वो बिस्तरे मर्द पर पड़ा हुआ था तो जाके ये मिर्जा जानी जो अपनी बेटियों के साथ जना करता था उसको हाथ पकड़ कहता, आज ये मिर्जा ही हो गया, मिर्जा ही हो गया। ऐसे तो तुम धोखेबाज हो। आपके बड़ों की बता रहा हूं बातें, अगर आपको ये बातें नहीं पता थी तो आप इनको कंफर्म करें, एक एक लफ्ज जो मैं कहता हूं कंफर्म करें। यह देखें एक और हदीस है, यह भी अबू हुरैरा से रज, इसमें लिखा है यज़ाल जज़िया व यफीज़ुल मालो हत्ता ला यक़बल अहदो। और इसमें एक और चीज भी बयान उसने कर दी, हत्ता तकूना सजदतुल वाहिदो खैरम मिन दुनिया व माफिया। यहां तक के अब वही बातें लिखी हैं कि वो हाकम होगा, अदल करने वाला होगा, स्लीप को खत्म करेगा, खंजीर को खत्म करेगा, जजिया को खत्म करेगा। और मैं अभी आपको दिखाऊंगा मिर्जा मिर्जे ने क्या किया। आप कहते हैं मैं इसको क्यों, जितना आप ज्यादा पढ़ेंगे ना मिर्जे कादियानी बारे, उतना ही आपका दिल खराब होगा। वह यफीजुल माल हो, और इतना माल होगा कोई मांगने वाला नहीं होगा। और फिर कहा ईसा अलैहिस्सलाम का वो वक्त होगा, हत्ता तकूनु सजदतुल वाहिद खैरम मिन दुनिया व माफिया, कि यहां तक कि एक सजदा दुनिया और उसकी हर चीज से ज्यादा अच्छा हो जाएगा। आप समझे हैं क्या कह रहे हैं। एंड सिंगल सजदा, एक सजदा जो है वो बेहतर होगा तमाम दुनिया से और जो कुछ इस दुनिया में है। यानी कि लोगों का ईमान इतना आला हो जाएगा। आप लोगों के सजदे झूठे, दुनिया में भी लानते हैं आखिरत में भी अजाब। यह है मिर्जा कादियानी और इसके गद्दी नशीनों की हालत। हदीसे सहिया का एक लफ्ज भी, पहले तो आपको पिछली दफा घड़ी हुई हदीसें दिखाई, उसकी दो मिसालें आप फिर दिखा दी। अब मैं बता रहा हूं जो हदीसें मौजूद हैं वो मिर्जे पर बिल्कुल, इसलिए मिर्जे ने कहा हमारा तो दावे की बुनियाद हदीस है ही नहीं। कैसे हो सकती है मिर्जा, तेरे दावे की बुनियाद हदीस हो ही नहीं सकती। तुझ जैसा झूठा और मुफ्तरी शख्स और दज्जाल इन हदीसों पर पूरा उतरना तो दूर की बात है, इनके साए पर भी पूरा नहीं उतरता। ये देखें जी, यही हदीस जो मैंने इतनी दफा इतनी किताबों से आपको दिखाई है, अब इसको बड़ा कर लें, क्योंकि ये बड़ी कमाल की चीज मिर्जा कादियानी आपके लिए तोहफा छोड़ गया। ये देखो जी, ये किताब जरूर पढ़ लेना, इसके बाद आपको बाद में बताएंगे बाकी। रूहानी खजाइन की जिल्द 3 है, पेज नंबर 198, 198 199 है। किताब का नाम अजाला ओहाम हिस्सा अव्वल है। ये वही किताब है जो 1901 में छपी और उसने कहा कि जी सबको गलती लग रही है, मैंने नबुवी का दावा नहीं किया हुआ, मैं तो नबी भी हूं और रसूल भी हूं, आज से 25 साल पहले से। हालांकि वो बार बार झूठे के पाँव नहीं होते ना, ना उसे याद रहता है पहले मुहद्दस हूँ, अच्छा मुहद्दस नहीं मानना, ना मन पीर मान ले, अच्छा मैं मसीह नहीं, मैं जिली, मैं बरोजी, और नहीं मैं तमसीली। और उसने कसम खा के लिखा हुआ कि मैंने तो कभी मसीहत का दावा ही नहीं किया। मैं कादियानियों से एक बात पूछता हूँ, ये तजादात हम आपको आने वाले हफ्तों में दिखाएंगे, एक बात पूछता हूँ मैं आप सब लोगों से, किसका नबी है मिर्जा? अगर वो शैतान का नबी है ना, तो शैतान तो हमेशा उल्टी सी बहकावे वाली बातें करता है। बहकावा और शैतानियत एक ही चीज का नाम। आपके यहां तो शैतान मौजूद ही नहीं है ना, आपका तो जिन्नों पर ईमान नहीं है। और जब अल्लाह ताला ने कहा फासजदु इल्ला इब्लीस काना मिनल जिन्ने, वो जिन्नों में से था, ठीक है,
आपके हिसाब में तो जिन्नी वो आप कहते हैं वो खैर और डिस्कशन निकल जाएगी। तो ये देखें वो हदीस जिसे मैंने बताया, सही हदीस जगह जगह लिखी हुई और आपको मैंने बहुत सारी वैसी ही सही हदीस दिखा दी। मिर्ज़े ने ये देखे रवानी खजाइन जिल 3 सफा 198 और 199 है, ये 198 सफा पर हम आ जाते हैं। मिर्जा ने लिखा है, देखे पहले तो वो कहता था कि मेरा तो जी हदीसों पर दावे का बुनियाद नहीं है, तो फिर मिर्जे से पूछो जब तेरी बुनियाद ही नहीं है तू इन अल्लाह माफी दे नाउस बिल्ला क्या कहें, तू अल्लाह का नबी होने का दावा करता है तो नहीं है, है तो झूठा हमें पता है ना, तो फिर तू हदीसों को भूल जा, सबको कह खुल कर के हदीसें मेरे खिलाफ हैं जैसे तूने लिखा है। मिर्जे ने सबको कह दे कि हदीसें मेरे खिलाफ हैं जी, उसकी बात ही ना करो। लेकिन वो तो पागल था ना, मराकी मरामी साइकोटिक पैरानॉइड सिंड्रोम स्किट्सोफ्रेनिक, वो तो खुद कहता है कि मेरे सच्चाई का सबूत मेरी बीमारियां हैं, एक ऊपर है सर में पागलपन, दूसरा नीचे है पेशाब पखाना बदबू के धक्के मारना। उसने तो हम आप समझते हैं कि मैं कोई नफरत से कह रहा हूं, ना भाई साहब मैं नफरत से कुछ भी नहीं कह रहा, मैं तो बहुत कम बयान कर रहा हूं जो मिर्जे ने खुद लिखा है। वो मिर्जे की बात तहरीरें तो मैं पढ़ भी नहीं सकता हूं, मेरी शर्म इजाजत नहीं देती है मुझे। ये देखें अब जी अहदीस के रूप से डिग्री मिलती है, सो वो हदीसें मा तर्जमा के जेल में कहते हैं इन हदीसों की रूह से मुझे डिग्री मिलती है, यानी कि मेरी तस्दीक। पहले कह रहा था मेरा हदीस पर बयान ही नहीं है, जब सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने कहा और झूठे दज्जल मकार फ्राडिये धोखेबाज जालसाज, तो उसने कहा ठीक है ठीक है, मैंने जाली हदीसें घड़ी, दूसरी हदीसें मेरे पर पूरे मेरा हदीसों पर दावे की बुनियाद ही नहीं। अब देखें हदीसों की लेके फिर आ गया। अब झूठे की तो ये प्रॉब्लम होती है, कल जो कहा था वो आज उसको याद ही नहीं। अजाला वहां उसकी लेट लेट उम्र की किताबें हैं 1901 और उसके बाद की, सुने क्या कह रहा है, वल्लजी नफसी नफसी बेयदही ला युशकन्ना अन यंजला फीकुम इब्ने मरियम हकमन अदलन फयक्सर अस्सलीब वयक्तल अलखन, वही हदीस जो मैंने आपको दिखाई इतनी दफा के मैं कसम खा के कहता हूं, ये वो इसने हदीस सही बुखारी में ये लफ्ज़ नहीं है वल्लज़ी नफ्सी बेयदही, आपको मैं दिखा दूं ताकि आप ये ना कहें कि ये जी मुझे फिर आपको दिखाना पड़ रहा है। ये है बुखारी की हदीस, इसमें ला तकुम उस्सा आता है, जो लफ्ज़ उसने लिखे हैं ना वल्लज़ी नफ्सी बेयदही ला युशकन्ना अन यंज़िला फीकुम इब्न मरियम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मुस्लिम हदीस में है। पहला झूठ उसका ये है कि बुखारी ने वो हरफ लिखे ही नहीं है, ये मुस्लिम ने लिखे हैं वल्लज़ी नफ्सी बेयदही, झूठा है ना आपका पहला। मैं तो आपको खोल खोल कर बता रहा हूं कि वो कितना झूठा है, झूठ बोलते हुए वो सोचता भी नहीं है, आपको बेवकूफ समझता है, आप उसको आपको तो वो बेवकूफों का बादशाह समझता है, आपको धोखा देना तो वो बच्चों का खेल समझता है मिर्जा कादियानी, और यही उसके गद्दी नशीन समझते हैं। सही बुखारी सफा 490 वल्लज़ी नफ्सी बेयदही मुस्लिम में तो है, बुखारी में है ही नहीं, पहला झूठ उसका। फिर लिखा अयंजिला फीकुम इब्ने मरियम, इब्ने मरियम आएंगे, मिर्जा तो इब्ने मरियम है ही नहीं। मैं उसका तर्जमा भी आपको सुना देता हूं, यानी कसम है इस साथ की जिसके हाथ में मेरी जान है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई, और ये मुस्लिम ने लिखी बुखारी ने नहीं लिखी, उसने कहा कि बुखारी ने लिखी है, तुम में इब्ने मरियम नाजल होगा, इब्ने मरियम मरियम का बेटा सैयदना ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और तुम्हारा नाजल होगा, उसने लफ्ज लिखा है नाजल होगा, पैदा नहीं होगा, मिर्जा तो पैदा हुआ था, नाजल होने और पैदा होने में फर्क है ना, और तुम्हारे हर एक मसला मुख्तलिफ फी का अदालत के साथ फैसला करे, हालांकि ना उधर मसला फी है वो हाकम अदल करने वाला, हाकमन अदलन का मतलब होता है आदल हाकम,
मिर्ज़े का तर्जमा देखो, ऊपर उसने बड़ा बड़ा लिखा, हर एक मसला है मुख्तलिफी है। जैसा आपके मिर्ज़ा जानी ने उधर अल्लाह ताला पर बोहतान बांधा कि इसका मतलब जो है अल्लाह को मालूम है और उसको भी जो जिसको अल्लाह ताला बताए, हालांकि उस आयत में ऐसा लिखा ही नहीं। यह आप कादियानियों का दचल और झूठ तो इतना शदीद है कि आप लोग ना कुरान की तासीम करते हो ना हदीस की तासीम करते हो। इस कदर लानत है, कम अज कम इतना तो एक इंसान को करना चाहिए कि तमीज के साथ तर्जमा कर दे। वहां लिखा ही नहीं है कि मसला मुख्तलिफी का अदालत के साथ फैसला करे, वहां लिखा है कि हक हुक्मरान होगा और आदल हुक्मरान होगा। आप एक झूठे के झूठ का इससे ज्यादा क्या सबूत चाहते हैं? क्योंकि उस पर पूरा नहीं उतरता, इसलिए उसने अपना मतलब बना दिया झूठा, और बातल प्रस्तों को अलग और हर प्रस्तों को अलग कर देगा। कहां लिखा है इस हदीस में बातल परसों को अलग और हक प्रस्तों को अलग कर देगा? ऊपर उसने लिखा हुआ तर्जमा है ये इस हदीस का, पहली लाइन का उसने ठीक तर्जमा किया, यानी कसम है इस साथ की जिसके हाथ में मेरी जान है ये रसूल पाक चल, यहां उसको कुछ और सूझा नहीं, नहीं तो सूझ जाता तो वो भी अपने पागलपन में लिख देता। यहां कहीं भी नहीं लिखा कि बातल प्रस्तों को अलग और हक प्रस्तों को अलग कर देगा। यहां लिखा फयक्सर सलीब है, वो सलीब को तोड़ देगा यानी ईसाइत को खत्म कर देगा। उसने इसका अपना ही मतलब घड़ लिया जी, हाजरी लानी है भाई साहब, तू हक पर दाएं तरफ, तू झूठ पर बाएं तरफ। क्या अजीब मतलब जाल साजी भी तरीके से नहीं की मिर्ज़े ने, जो जाहिल था ना, दो चार दिहाती कट्ठे हुए तुसी लोग पीछे हो गए उदे। पास वो इसी हुक्म की वजह से सलीब को तोड़ेगा। ओहो, ये हुक्म तो उधर लिखा नहीं हुआ, वहां तो लिखा हुआ हकमन आदिलन, आदल हुक्मरान होगा इसी हुक्म की वजह। आप देखें किसी अरब से जिसको मामूली अरबी भी आती हो जाके ये पूछे, मिर्ज़ा झूठ बोल रहा है, कज़ब कर रहा है। नबी काज़ब और झूठा नहीं होता क्योंकि उसके साथ तो अल्लाह होता है। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा अली अली लिमा सबक्तनी, चार हरफ बोले, ए अल्लाह क्या तू मुझे अकेला छोड़। अल्लाह ताला ने कहा कैसे मैं कह सकता हूं, तू मेरा नबी है, मेरा प्यारा है। उसी वक्त उसको उठा लिया। मिर्ज़ा चीख चीख के थक गया, साला साल सैकड़ों पेशगोइयां कर डाली, ममदी बेगम मेरी बीवी बनेगी। हाँ और भी बहुत सारी है, ये तो हम आपको एक मिसाल देते हैं क्योंकि इसको तो वो तकदीर मुबरन पता नहीं, ये आपको करेंगे इस पर बात। ये बिल्कुल ऐसा कोई तर्जमा नहीं है। आपने तर्जमा देखा, लोगों ने सीधा साधा तर्जमा किया हुआ, मुसलमान है। ये वो तर्जमा इसलिए कर रहा है कि आपको अरबी आती नहीं है, उर्दू में आप पढ़ लेना तो कहेंगे इस हदीस दा है मतलब सी। हेलो जी, मिर्ज़ा साहब सच्चे हो गए। साहब नहीं कहना चाहिए मिर्ज़े को, दज्जाल और धोखेबाज साहब नहीं होते। वो इसी हुक्म की वजह से तलीब और खंजीरों को मार देगा। वह यजाल हर्ब और रोज रोज के झगड़ों का, अब देखें खुदा की कसम यजाल हर्ब किसी हदीस में नहीं लिखा। मैंने बहुत तलाश किया, मैं क्या किसे हदीस से यजा और हर्ब का लफ्ज इकट्ठा मिल जाए सही, मुझे है ही नहीं। और फिर आगे लिखा कैफा अंतु मिजान नजाला इब्न मरियम अफीकुम इमामुकुम मिनकुम, तुम्हें कैसा लगेगा, तुम्हारा उस दिन क्या हाल होगा। चलो मान लिया, हालांकि ये तर्जमा भी गलत है, जिस दिन इब्ने मरियम तुम में नाजल होगा होंगे और तुम जानते हो कि इब्ने मरियम कौन है। यह बिल्कुल नहीं लिखा तुम जानते हो कि इब्ने मरियम का। यार आप इस वाहियात दज्जाल जाहिल खबीस बदबख्त पर ईमान लाए जो तर्जमा ऊपर लिखता है और नीचे वाहियात बातें लिखता जो मौजूद ही नहीं है सिरे से। यार ऐसे पागल पर तुम्हें मान लाए उसको नबी मानते हो, कुछ तो ख्याल करो, कुछ तो खुदा का खौफ करो। और तुम्हारे ही एक इमाम होगा और तुम में से
उम्मती लोगों पैदा हो। अब देखो उसके दजल की ये हालत है कि उसने ए उम्मती जहां पर लिखा है ए उम्मती लोगों, उसको ब्रैकेट में कर दिया कि भाई ये हदीस में नहीं है। पता ब्रैकेट में वो बात करते हैं जो असल टेक्स्ट में ना हो। मिर्जे से जाके पूछो ये कहां हदीस में, और तुम जानते हो कि इब्ने मरियम कौन है, ये किथे लिखा है, और ये कहां है, बातल प्रस्तों को अलग और हक प्रस्तों को अलग कर देगा, ये कहां पर है, पीला कर देना चाहिए, ये लो। ये कहां पर लिखा है, इनको क्यों नहीं ब्रैकेट में किया उसने, क्योंकि वो फकत आपको धोखा देना चाहता है, आपका दिमाग खराब करना चाहता है कि हदीस में असल में ये लिखा हुआ है, हालांकि ऐसी कोई बात है ही नहीं लिखी हुई हदीस में। और फिर वजदा अल हर्ब का लफ्ज ही नहीं है। मैंने आपको चार दफा वो हदीस दिखाई है मुख्तलिफ जगहों से, और मैंने आपको हनफन कहा है कि मैंने हर कोशिश दुनिया की कर ली, मुझे जदा अल हर्ब का हरफ नहीं मिला पूरी हदीसों में। आपने वो हदीस लेकर आनी है जिसमें ये सारे हरफ भी हों और जदा अल हर्ब भी हो। ये जो लाल रंग मैंने किया हुआ है ना, कैफा अंतुम इज़ा नज़ला इब्ने मरियम फीकुम इमामुकुम मिनकुम, जिसका उसने गलत तर्जमा किया, तुम्हें कैसा लगेगा उस दिन जब नाजल होंगे तुम्हें इब्ने मरियम और तुम्हें तुम्हारा इमाम तुम्हारे में से होगा, जब वो उतरेंगे ना तो उस वक्त इमाम मेहदी इमामत करा रहे होंगे, वरना बाकी सारी जिंदगी ईसा अलैहि सलाम नबी की जिंदगी में कोई और इमाम नहीं हो सकता, लेकिन जब वो नाजिल होंगे तो उस वक्त इमाम मेहदी कहा जाता है इमाम होंगे। ठीक, देखो मैंने आपको खोल खोल के बता दिया, और तुम जानते हो कि इब्ने मरियम कौन है ही नहीं ये हदीस। चलो, और ये लफ्ज इस हदीस का हिस्सा भी नहीं है। आपको मैंने चार दफा ये सही किताबों में दिखाई है, उनमें लिखी ही नहीं हुआ ये हरफ के क्या तुम जानते हो कि जब ईसा इब्ने मरियम तुम्हें नाजिल होंगे वह इमाम तुम्हें से होगा, ये उस इस हदीस का हिस्सा है ही नहीं। ये हदीस ऐसे कभी बयान ही नहीं हुई है, ये उसने अपनी तरफ से ऐड किया। मेरे ख्याल उसकी जो मुर्गी थी ना उसने वही की होगी या टिची टिची ने वही की होगी, नहीं मेरा ख्याल फीस ही लगता है, वो कहता था 16 साल का है फीस, वो कुछ पागल होगा है फरिश्ता फीस है ना, वो जवान लड़का उसने शायद लिखा, या फिर मेरा ख्याल मिठन लाल की शरारत हो सकती है, वो उसको तो मुसलमान अच्छे नहीं लगते होंगे। सोचो जरा ये किस फरिश्ते ने मिर्जे को बताया, लगता है ऐसा ही है, मिठन लाल की मेरा ख्याल शरारत है या देव सिंह की है। ठीक है, मिर्जे को तो तुम सच्चा मानते हो, इस कदर जाहिल शख्स नबूवत तो दूर की। कुरान पाक पढ़ो, मेरे आका मौला मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही किताब लिखवाई, कहा कि ये अल्लाह की किताब है, इतनी जबरदस्त किताब है, याद करो तो मजा, पढ़ो तो मजा, लोग तो बगैर समझे पढ़े जाते। ये कहीं इस हदीस के साथ ये लफ्ज नहीं लिखे कैफा अंतुम इज़ा, हां ये लफ्ज और हदीसों में लिखे हुए, हम आपको गुमराह नहीं करेंगे। वदा अल हर्ब का व यदा अल हर्ब का लफ्ज किसी हदीस में नहीं है, लेकिन ये हरफ जो मैंने गुलाबी रंग से लिखे हैं और हदीसों में है। लेकिन वो दिखाने से पहले मैं आपको इसका बाकी हिस्सा अगले सफे को पढ़ लें। यहां तक बुखारी की हदीस का तर्जमा हो चुका। वाह मिर्जा जी की कमाल दा तर्जमा कीता मेरे यार, लानतुल्लाह अलल काज़िबी। और आप लोगों ने समझ लिया होगा कि इमाम बुखारी साहब इमामुकुम मिनकुम के लफ्ज़ से किस तरफ इशारा कर गए हैं, इमामुकुम मिनकुम तुम्हारा इमाम तुम्हारे में से होगा, यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होंगे। और है कि अल आकिलो तकफियत व इशारत, और अकलमंद के लिए इशारा ही काफी है। अब दूसरी हदीस वो आपको सुनाना चाहता है, उसकी बात बाद में करेंगे। अब देखें जी, आपको मैंने कहा था कि मिर्जे का सब दजल है, सब दजल है, दजल के सिवा कुछ भी नहीं है। ये है जी वो हदीस, ये सही मुस्लिम की है, इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 155 डी है उसका नंबर, बुक वन में है, हदीस नंबर 297 है उसका।
यहां लिखा है कैफा अंतुमेजा नजला इब्न मरियमा फीकुम व इमामुकुम मिनकुम, आप लोगों की क्या हालत होगी जब ईसा इब्न मरियम, जब इब्न मरियम आप में नाजिल होंगे, पैदा नहीं होंगे, और आपका इमाम, देयर विल बी एन इमाम अमंगस्ट यू, आपके दरमियान उस वक्त एक इमाम होगा जब उनका नजूल होगा, वो इमाम महती होंगे, मिर्जा नहीं होगा। और यही हदीस सही बुखारी में लिखी है, इज़ा नज़ला इब्न मरियम फीकुम व इमामुकुम मिनकुम, यही लफ्ज़ उधर अलग से लिखे हुए हैं, और इस सही बुखारी की इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 3449 है, लेकिन ये पहली हदीस के साथ लफ्ज नहीं है कहीं भी लिखे हुए, ये अलग से लिखे हैं, और इसके साथ और कैफा अंतुम जो है ना, और भी अल्फाज अहदीस में आए हैं। तो मिर्जे ने जी उसको अपने मर्जी के मुताबिक यहां से यदाउल जसिया को निकाल के यदाउल हर्ब कर दिया है, और ये जो इस हदीस का हिस्सा ही नहीं थे हदीस की किताबों में, इनको यहां पर भी जमा कर दिया है, और बाकी आपने देखा होगा कि ये तबा हू अकील हूं, और उसके आगे वाले लफ्ज जो है उसने निकाल दिए हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये दोबारा आई है एक सही मुस्लिम की हदीस 155F, इसमें और तरीके से जरा हटकर लिखी हुई है, लेकिन वो हरफ इसमें भी मौजूद है, लेकिन ये हरफ वो हदीस जो पहले बयान हुई है उसके साथ कहीं भी नहीं लिखे हुए। तो मैं तो आपसे ये कहता हूं कि अगली दफा आपको हम और दिखाएंगे, ये देखें वो वाला आपको दिखा दूं कि रूहानी खजाइन जिल्द 61 सफा 9 दबाचा ब्राइन ने आम दिया, ये इतना जालसाज था, कहता है 50 हिस्से लिखने का इरादा था मगर 5 से पर इक्तफा किया, ये बड़ा कर लें ताकि आपको नजर आ जाए, नहीं तो आप कहेंगे कि जी पता नहीं खुद ही पढ़ रहा है कि पता नहीं कहाँ है भी है कि नहीं लिखा हुआ, ये यदि पढ़ लें आप भी। और चूंकि 50 और 5 की अदद में सिर्फ एक नुकता का फर्क है, इसलिए 5 हिस्सों से वो वादा पूरा हो गया। ये लो जी जालसाज की जालसाजियां। अब ये देख लें यदाउल हर्ब का उसने लफ्ज लग किया है, आप कहेंगे कि ये मिर्जा से गलती हो गई होगी, ना जी कोई गलती नहीं हुई, रूहानी खजाइन जिल्द 14 सफा नंबर 258 एयाम सुला में उसने साफ लिखा है, गर्ज हमारे अंदरूनी मुखालफों ने किसी पहलू से फायदा ना उठाया और सब काम कर दिखाए जो यहूदियों ने किए थे। अच्छा, यानी कि जो मिर्जे को ना माने वो यहूदी हो गया, यानी उसका झूठ दजल फ्रॉड पागलपन ना माने तो वो यहूदी हो गया। देख लो जी, वो इतराज जो बार बार हम पर किया गया वो यही है कि वो कहते हैं कि इसका जहनी मेहदी या मसीह खून रेजों के तौर पर आएगा। हमने कहा इनका जहनी मेहदी मतलब मिर्जे को तो इतना सख्त एहसास था कि वो पागल है, देखो यहां पे लिखा उसने जहनी मेहदी या मसीह, जहनी मेहदी यानी हमें वो कह रहा है कि इनका ख्याली मेहदी। आप खुद गौर करें, ये बात जो हम कहते हैं वो तो हदीसों से साबित है, कुरान से साबित है, हर जगह से साबित है, जो मिर्जा कहता है वो कहीं से भी साबित नहीं होता, और फिर कह रहा है कि हमारा जहनी ख्याल है और मिर्जे का पक्का ख्याल है, और वही चलो हदीस छोड़ दी, कुरान छोड़ दिया, वही मान ली, किसकी वही माने, मुर्गी की माने, टिची टिची की माने, हफीज की माने, सकीना की माने, मिठन लाल की माने, जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो आई नहीं उसके पास, ना वही ठीक, ना कुरान पर उसका एतबार, ना हदीस पर उसका एतबार। मेरे भाइयों, आप कहाँ के मुसलमान हैं? मिर्जा कादियानी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो जालसाज है, काउंटरफिट इस्लाम, मगर ये शख्स लड़ाइयों और खूनरेजियों से मना करता है। इसका बार बार जवाब दिया गया कि यह ख्याल सरासर गलत है, बल्कि यदाउल हर्ब की हदीस से बाकमाल वजू साबित है। आपने मेरे बहन भाइयों एक ऐसी हदीस लानी है जिसमें यजा उल हर्ब का लफ्ज लिखा हो। मिर्जे ने यह लफ्ज वो सही अहादीस में ऐड किया है जहां पर यह बिल्कुल नहीं है, जालसाजी की है ना, धोखेबाजी,
और फिर आपको अगर लगे कि ये छपाई की गलती पहले हो गई या कुछ ऐसा हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये उसने एक और जगह लिखा है, बल्कि यजाउल हर्ब की हदीस से बाकमाल वदूह साबित है, यानी कि बगैर शक व शुबा के आपने वो हदीस लानी है। देखो यहां हदीस ले आओ या इस पर चार हरफ लानत कह के भेज दो और इन्हें छोड़ के मुसलमान हो जाओ, क्योंकि आपको एक दिन अपने अल्लाह के पास वापस जाना है। क्या आप इस हालत में वापस जाना चाहेंगे कि एक झूठे दोगाबाज दागेबाज ज़हनी मरीज के पीछे आप चल पड़े? दुनिया में भी नुकसान, पैसे का, वक्त का भी नुकसान, हर चीज का नुकसान, और अल्लाह की भी नाराजगी, आखिरत की भी जहन्नम। यह बड़ा महंगा सौदा आपने किया हुआ है कि मसीह मौत खून रेजों के रंग में हरगिज नहीं आएगा, सिर्फ मुआरफ और हकायक और निशानों से तमाम हुज्जत करेगा और अमन के साथ हक को पिलाएगा। लिखा होता हदीसों में तो हम मान लेते, हदीसों में तो लिखा ही नहीं। इसका मन घड़त है, इसने एक इंतहाई मारूफ हदीस में अमेंडमेंट कर दी, हर्फ डाल दिए जो वहां पर है ही नहीं, और फिर उनको बना के आपको धोखा देने के लिए ये लिख दिया उसने। हम तो उसकी धोखादही की बात कर रहे हैं, जो लिखा हो हम उसको मान लेंगे। वहां तो लिखा है जजिया माफ कर देगा, वहां ये तो नहीं लिखा कि यजाउल हर्ब करेगा, लड़ाई बंद करेगा, जजिया माफ करने का। अब वो ना हुक्मरान ना आदल हुक्मरान, और जजिया तो वही माफ। देखें हदीस में तो इतना मंतकी लिखा हुआ है कि वो आदल हुक्मरान हो, आदल हुक्मरान की तो रियाया भी होती है, रियाया में गैर मुस्लिम भी होते हैं, तो उनका जजिया भी वो माफ कर सकता है। जब वो आदल ही नहीं था, हुक्मरान ही नहीं था, तो उस पर कैसे दे हदीस पूरी होती? उसने हदीस को तोड़ मड़ोड़ दिया, फिर आगे एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दी, कुछ डाल दिया कुछ निकाल दिया। ये हालत है आपके नबी की। आपने एक हदीस लानी है जिसमें यजाउल हर्ब लिखा हो, वमा अलैना इल्लल बलाग अल मुबीन।